गैप अप के बाद बट अनुज कभी-कभी जो कोई टाइम फ्रेम होता है ना साल का वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि इन सर्टेन स्टॉक्स को आपको चेज करना है. एक दौर था केमिकल फार्मा देन आई थिंक चाहे वो किसी प्रकार के स्टॉक हो क्या पावर का समय है ये चेज करना हमें हमने टाटा पावर डिस्कस किया एनटीपीसी डिस्कस किया आरएसी पीएफसी आईएक्स क्या ये पावर का वक्त है चेज करने का uh, बिल्कुल वीरो आई थिंक जिस तरीके की गर्मी बढ़ रही है कल जो लक्ष्मण जी ने भी न्यूज़ ब्रेक की थी कि पावर कंपनी कंपनियों गैस को बोला गया कि और आप और गैस खरीदिए और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करिए और जिस तरीके का भीषण गर्मी पड़ने वाली है ये लग रहा है क्लियर हो गया है ये इस समय और तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि मोमेंटम रहेगा यहाँ पर आप एक यहाँ पर ना मुझे लग रहा है एक स्ट्रैटेजिक बास्केट बना सकते हैं अगले दो महीने के लिए पावर कंपनियों की क्योंकि क्या हो ना आ, मैं कल पढ़ रहा था काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों के आइडियाज़ क्या होते हैं कोई लोग सोचता है कि चलिए ठीक है आप ए कंपनी ले लीजिए फ्रिज कंपनी ले लीजिए कुछ बोलते हैं आइसक्रीम कंपनी ले लीजिए अरे जो कंपनी एक्चुअली में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होंगी ना वो पावर कंपनीज होंगी आप ए किसी भी कंपनी का लीजिए आप फ्रिज किसी भी कंपनी का लीजिए कंजम्पशन तो पावर की होगी ना मेन तो मेरे ख्याल से पावर एक शानदार स्पेस रहने वाली है यहाँ से और वो डोमेस्टिक इकोनॉमी वाली हमारी थीम से भी मैच करेगी बिल्कुल हंड्रेड परसेंट पावर पे फोकस करिए स्टॉक्स करेक्ट भी हो चुके हैं और वापस रिकवरी भी दिखा रहे हैं जी हाँ पावर पे फोकस कीजिएगा और आ, सीधे सीधे पावर कंपनियों पर निफ्टी फर्दर इेस हुआ है अब ऑलमोस्ट अनुज हम कल के क्लोजिंग लेवल को पैदलली अलाइन करते हुए क्या मौका दे रहा है ये आ, नहीं मैं फिर बोल रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है जहाँ पर करेक्शन ख़त्म होगी वहीं पर बाय कर जल्दबाजी नहीं करनी है बिरू और देखिए क्या होता, होता है ना वैसे टेक्निकली तो आज गैप अप पे किसी ने शॉर्ट किया हुआ तो पैसा ही बना होगा लेकिन क्या होता है ना उससे साइकिल ख़राब होती है इसके लिए हमने आज शॉर्ट की बात नहीं की थी लेकिन क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग तो हुई लेकिन प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा है अभी जहाँ पर ये खत्म हो अच्छा कई बार ऐसा होता है कि इवन टेरिटरी में आके कल की क्लोज टेरिटरी में आके फिर मार्केट घूमता है ये भी पॉसिबल है लेकिन विदाउट अ डाउट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गिरेगा गैप अप के बाद उससे ज़्यादा गिर गया ये शायद इसलिए हो गया क्योंकि गैप अप ज़्यादा हो गया जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा गैप अप हो गया ये भी एक कारण हो सकता है ओके अच्छा चलिए। क्षमा चाहूंगा दरअसल मैं अनुज के पास स्टेक में आज पावर पे चला गया लेकिन एक ट्वीट बाकी था नरेंद्र सोलंकी जी का नरेंद्र जी नमस्कार आपका मिटका फंडा जी नमस्कार गुड मॉर्निंग आज का मिटका फंडा जो हम कंपनी लेके आए वो कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स और कंपनी जो है वो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करती है लेकिन एक नॉर्मल स्टील एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर नहीं करती है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी तेजी से वैल्यू एडेड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं जिससे कंपनी का जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बहुत ही बेहतरीन है और कंपनी के अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो हाल ही में कंपनी का नया रायपुर प्लांट चालू हुआ है जो कि ग्रेजुअली रैपअप कर रहा है जिसका हम रैप अप इस साल देख सकते हैं और एफ से लेके आने वाले सालों में कंपनी अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल करेगी और अगर सिर्फ ये रायपुर प्लांट की बात करें तो जो कंपनी की एग्जिस्टिंग टॉप लाइन है उसका 25 अपने फुल पोटेंशियल पे ऐड कर सकता है और फर्दर स्कोप भी है कंपनी का इसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफी अच्छे दिख रहे हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जिस हिसाब से कंपनी नए ऐड करते जा रही है उससे जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी काफी बेहतरीन रहने वाला है कंपनी का और कंपनी की बैलेंस शीट भी देखें तो रिटर्न रेशूज भी काफी बेटरिन है कंपनी तो के तो इस पे हम 1800 का टारगेट लेके इन्वेस्टमेंट करते चल सकते हैं okay, ओके तो ये हो गई इस समय नरेंद्र जी की पिक एपीएल अपोलो ट्यूब्स बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपनी निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें